और पॉलिनोमियल में से तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस होंगे, मोस्टली फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस होंगे, क्या ठीक है? इसी क्लास में होंगे? नहीं क्लास में नहीं होंगे, तो टेस्ट तो दे चुके हो ना एक बार, यस सर। पता करो बाकी कैसे होता है टेस्ट, तो वो कल होगा पता तुम लोगों को, आएगा नोट मैसेज आएगा, फिर क्लास में नहीं होगा, वो अलग से होता है टेस्ट। सर रियल नंबर या फिर नंबर सिस्टम्स? रियल नंबर तो 10th क्लास का चैप्टर है ना। हाँ नंबर सिस्टम, रियल नंबर नहीं नंबर सिस्टम है ये, ठीक है? नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल से आएगा। ओके सर। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे स्टार्ट। एक्सक्यूज बोलो मी सर, बोलो बोलो। सर जो हमारा लास्ट टेस्ट हुआ था उसमें हमारे मैथ्स के मार्क्स नहीं चढ़े थे, और सर उसमें क्या बोलते हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस थे कुछ क्वेश्चंस के चारों ऑप्शन गलत आ रहे थे, ऑप्शन के गलत तो इस थे। यस टेस्ट में सर, भी ऐसा हुआ तो हम उसमें कौन सा ऑप्शन यस सही सर। करेंगे? नहीं इस बार सही होगा, इस बार सही होगा, ठीक है? इस बार सही होगा, ओके पिछली सर। बार पहली बार था ना, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा तो कुछ इश्यू हो रहा होगा, अब नेक्स्ट इस टाइम से सही रहेगा, उसमें कोई इश्यू नहीं आएगा। यस सर। ओके ओके सर। बच्चों, हाँ ठीक है स्टार्ट करते हैं, और आप लोग मॉड्यूल के क्वेश्चन से प्रैक्टिस भी करना, ठीक है? मॉड्यूल मतलब स्टडी मटेरियल, वो जो आप लोगों को दिया गया है, ठीक है? और वो ई काइट ऐप पे अवेलेबल है, एक बच्चे ने लिखा भी है कमेंट बॉक्स में। हाँ वो ई काइट ऐप पे अवेलेबल होगा, अभी आप इनरोलमेंट आईडी डालोगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें बहुत इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, और जिस बच्चे किसी बच्चे ने अगर 8th क्लास में पढ़ा होगा, 8th क्लास में अगर किसी बच्चे ने सही तरीके से पढ़ा है, तो 8th क्लास में ही जो दिया हुआ था बस उसी को रिपीट किया गया है, थोड़ा बहुत उससे एक्स्ट्रा है, थोड़ा बहुत का मतलब है 1-2%, समझ रहे हो बात को? 1-2% ही ज्यादा है बस 8th क्लास से, और ये बहुत ही सिंपल है। यस सर। 8th क्लास में आप लोगों ने प्लॉटिंग सीखी होगी, यहाँ पर वैसा ही है, बस थोड़ा सा हो सकता है 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिया हो, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते क्या है। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या स्टडी करेंगे, इसकी यूटिलिटी क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। ये एप्लीकेशन इसका कह सकते हो कि ज्योग्राफिकल चीज़ों में, ज्योग्राफी और में चीज़ों में बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसे कि पूरे वर्ल्ड मैप को या इंडिया के मैप को, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन मैप को, और नहीं तो वर्ल्ड मैप को क्या किया जाता है, पहले फ्लैटन कर लिया जाता है। फ्लैटन का मतलब एक सरफेस पे, ठीक है? मतलब ये सपोज इस एरिया को, इतना बड़ा एरिया है कुछ, यार ये किसी एरिया पॉइंट को को, अपलोड करने के लिए माइक बंद करो सभी बच्चे, ठीक है? ये सपोज ये एरिया है, ठीक है? और इस एरिया को हमने क्या किया, प्लेन पेपर के ऊपर ले लिया, और साथ ही साथ उसके बाद हमने 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं, ये एक्स एक्सिस कहलाता है और ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है? सर। माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो, ठीक है? और किसी भी पॉइंट को, किसी भी जगह को, इनफैक्ट यहाँ पर मान लो ये जगह है, कोई जगह है दिल्ली है, ये हो सकता है यहाँ पर पंजाब, पंजाब का मतलब सपोज चंडीगढ़ है, ठीक है? इस तरीके से उनको हम कोऑर्डिनेट्स में क्या कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म मार्क कर देते हैं, ठीक है? जैसे इसको हमने दिल्ली को नाम दे दिया सपोज, मान लेते हैं ये 3 है और ये 4 यूनिट है, तो 3.4 हो जाएगा इस तरीके से। तो लोकेशंस को जो है ना, लोकेशंस को एक पॉइंट से, कोऑर्डिनेट्स से, ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत काम आता है, ठीक है? इसकी यूटिलिटी ये है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि बेसिक चीजें सीखेंगे कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, वो हम देखते हैं। सर, ये लाएंगे आपकी तरह क्या? हाँ 9th क्लास में तो है ये। नहीं सर, लाएंगे आपकी तरह क्या? हाँ हाँ ग्राफ की तरह ही है बिल्कुल, ठीक है? टू लोकेट अ पॉइंट, और प्लेस भी कह सकते हो इसमें, इस केस में टू लोकेट अ पॉइंट और प्लेस वी नीड टू रियल नंबर्स, इसको जिसको कि हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, ठीक है? लेट अस टेक
टू मूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, कॉल देम एक्स एक्सिस, कॉल देम एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों कि इसमें आपने एक एक्स एक्सिस ले लिया, ये लाइन इनफाइनाइट तक जा रही है, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी, इसलिए एरो से दिखाया हुआ है, और ये हमारा एक परपेंडिकुलर लाइन है एक्स एक्सिस के ऊपर जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ओरिजिन मतलब क्या, 0,0, ये 0,0 है, और ये एक्स डैश है, और ये वाई, और ये वाई डैश है। तो आप इसमें इस नंबर लाइन, इनफैक्ट इस नंबर लाइन भी आप समझ सकते हो, तो ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, इस तरीके से ये चलता जा रहा है आगे, और इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, -1, -2, -3, इस तरीके से आप जानते हो ये प्लॉट करना। ठीक है, ऐसे ही 1, 2, 3, ऊपर 4, 5, 6, 7, इस तरीके से -1, -2, -3, है ना, इस तरीके से पॉइंट्स है। अब मान लो कि कोई एक पॉइंट है जिसका जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई है, अब तो उसको कैसे प्लॉट करेंगे हम, तो ये हम सीखते हैं कि किस तरीके से उसको प्लॉट किया जाता है और वो होता क्या है बेसिकली। सबसे पहले तो ये भी देखते हैं, एक मिनट के लिए रुक जाओ। सर आपने सर म्यूचुअली के बाद क्या लिखा है सर? किसके बाद, मुचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का सिंबल है वो। सर परपेंडिकुलर के सिंबल के ऊपर आर जैसा क्या है? आर ही होता है बेटा वो, परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर का लास्ट लेटर आर होता है ना, परपेंडिकुलर आर, वो आर है, वैसे ही तो आर रिप्रेजेंट किया लगाना गया। पड़ता है। अरे लगाओ ना लगाओ, लगाना पड़ता है, हाँ कभी कभी लगाया जाता है। देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहते हैं, वो पूरे प्लेन को चार पार्ट में डिवाइड कर देता है, चार पार्ट जिसको हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। अगर हमने प्लेन समझते हो ना, प्लेन का मतलब होता है कि स्मूथ सरफेस। प्लेन क्या होता है बेटा, प्लेन समझना जरूरी है, प्लेन का मतलब होता है स्मूथ सरफेस। ये डेफिनेशन यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़ा, अभी किया नहीं है वैसे, लेकिन जानना चाहिए तुम लोगों को। अ स्मूथ सरफेस व्हिच इज एक्सटेंडेड, सॉरी एक्सटेंडेड की स्पेलिंग मिस्टेक, गलत हो गई, एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन इनफाइनाइटली। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास जो पेज होता है A4 साइज का पेज जो होता है ना, वो पेज समझो कि इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, मतलब उसकी लेंथ भी बहुत ज्यादा है, ब्रेड्थ भी बहुत ज्यादा है, लेफ्ट में राइट में, है ना, चारों तरफ जो है इनफाइनाइटली एक्सटेंडेड है, उसको प्लेन कहा जाता है। इनफैक्ट हम अगर समझे तो हमारे लिए जो कॉपी का जो पेज होता है वो एक प्लेन की तरह हम उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो कॉपी का जो प्लेन पेज होता है वो हमारे लिए प्लेन है। तो एक प्लेन को अगर हमने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दिया एक प्लेन के ऊपर, तो उसको वो क्या करेगा, चार पार्ट में डिवाइड कर देगा। ये पहला पार्ट जो है ये क्वाड्रेंट वन कहलाता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट टू, ये क्वाड्रेंट थ्री, और ये क्वाड्रेंट फोर। ये सारी चीजें आप लोगों ने पीछे की क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, ठीक है, और ये एक्स वाई प्लेन में हुआ है क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसलिए इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। और एक बात और, कौन प्रेजेंट कर रहा है भाई, सर शिवेंद्र कुमार भी नाम से आया था। सर तो
तो ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं बच्चों, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, इस तरीके से। और ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस कहलाता है, सभी बच्चों को पता है, ये वाई एक्सिस कहलाता है, और जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें डेफिनेशंस हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। तो पॉइंट को अप्लॉट करने के लिए, पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम ये क्वाड्रेंट्स जो है ये यूज करेंगे। तो अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखो अब जैसे कि मान लो बच्चों कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो अगर कोई भी हमने यहाँ पर पॉइंट ए कॉमा बी लिया है, कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी लिया हुआ है, तो ये एक ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, तो हम कैसे समझेंगे ए और बी को, कि ए जो होता है हमारा वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ए जो है ये क्या है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, इनफैक्ट जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा ए का वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है ना। एनी कोऑर्डिनेट्स, एनी कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंटेड बाय ए कॉमा बी, वेयर ए एंड बी आर होल नंबर, ए सॉरी ए एंड बी आर रियल नंबर्स, होल नंबर नहीं, रियल नंबर्स। ए इज, या कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं पता है सबको, एब्सोल्यूट वैल्यू किसको कहते हैं, जैसे -2 है तो -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होता है, और अगर 3 है तो 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा, 3, है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, रियल नंबर्स ए एंड बी आर रियल नंबर्स, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो बी होता है, बी ये पॉइंट, कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स ए कॉमा बी हैं, तो ये जो बी है बेटा ये आपका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है, मतलब इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, बी कहते हैं, और इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, ए कहेंगे। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये आपका वाई एक्सिस है, देख रहे हो आप वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का वो ए होगा। अच्छा, ए को हम एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और वाई कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, ए को हम क्या कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा कहा जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सीसा भी बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या एब्सीसा बोलो एक ही मतलब है। और बी को जो राइट साइड में होता है, ए और बी है ना दो नंबर्स, तो राइट वाई साइड में बी है, तो इसको वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, सिंपली ऑर्डिनेट बोला जाता है इसको, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके से इसका डेफिनेशन, पॉइंट का डेफिनेशन आ गया। अच्छा, अब इसके बाद इस चैप्टर में जो मेनली दिया हुआ है करने के लिए वो है प्लॉटिंग, कि पॉइंट्स को प्लॉट करके दिखाओ, पूरे एक्सरसाइज चैप्टर में यही दिया हुआ है केवल। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं 3.1 एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, 3.1 एक्सरसाइज अगर हम देखें तो देख ही लेते हैं, चलो क्या है देखते हैं, एक मिनट। सर। दो मिनट रुक जाइए, मुझे लिखने दीजिए। लिख रहे हो, चलो ठीक है लिखो, वैसे इसमें लिखने लायक तो कुछ है नहीं। सर आपने रियल नंबर्स के बाद क्या लिखा रियल नंबर के बाद थर्ड लाइन में? ए, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ए है, एब्सोल्यूट वैल्यू ए बोलते हैं इसको, मतलब माइनस साइन नहीं लेना है। हाँ, और सर अगर बाहर आएगी तो माइनस में हो जाएगी। डन। ओके तो ठीक है, तो अभी हम देखते हैं बेटा, अभी हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 3.1 में आपसे क्या कहा गया है करने के लिए, बहुत ही सिंपल है।
देखो देखो, 3.1 है, क्या कह रहे हो? ठीक 3.1 देखो बेटा, इसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, ये 8th क्लास में जो किया हुआ है ना आप लोगों ने, बस वही है, तो कुछ खास इसमें एक्स्ट्रा है नहीं। तो ध्यान से, हाँ ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। हाउ यस विल सर। यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब एक मान लो आपके पास, कह रहा है कि ये मान लो एक कमरा है, ठीक है, ये आपके पास एक कमरा है, और यहाँ पर अरे बेटा आप क्या बोल रहे हो, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है, मान लो कि ये आपका टेबल लैंप है ना, ये आपका टेबल लैंप है इस तरीके से, टेबल लैंप अच्छे से बना नहीं बट हाँ, और ये यहाँ पर एक पर्सन है, यहाँ पर एक ये पर्सन है, तो इसको कैसे आप लोकेट करो। कह रहा है कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल। ये स्टडी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, ये स्टडी टेबल के ऊपर टेबल लैंप है और एक पर्सन है यहाँ पर, उससे कैसे आप लोकेट करोगे। तो ये थियोरेटिकल आंसर है, इसको आप कैसे करोगे, आप इसको लिखोगे बाय कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। सर, बाय कोऑर्डिनेट सर, ऐसे क्वेश्चन हाँ फिर से हाँ बोलो। सर ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं, मतलब पेपर या ओलंपियाड। ऐसे पेपर में नहीं आएंगे मेरे ख्याल से, पेपर में कैसे आएगा ये, ठीक है, पेपर में ये, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन सॉल्व करना होता है, यहाँ पर तो आपको एक्सप्लेन करना है कैसे आएगा, ठीक है। तो हाउ विल यू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन ए स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। तो ये अब सिंपल सी बात है कि अब कैसे हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो डिस्क्राइब कैसे करेंगे, डिस्क्राइब ये करेंगे कोऑर्डिनेट्स से करेंगे, सिंपल इसका आंसर होगा कि कोऑर्डिनेट्स से करेंगे। यस सर, बाय कोऑर्डिनेट्स, हाँ बाय ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हाँ कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लोग इसको करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बाय कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम एक दूसरे की लोकेशन को पोजीशन दे सकते हैं, है ना। जैसे मान लो कि अब एक क्लास के अंदर 10 बच्चे हैं मान लो, तो उन 10 बच्चे अगर अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, तो हम उसको, है ना, एक बच्चा मान लो यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, तीसरा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, चौथा बच्चा यहाँ बैठा, पांचवा बच्चा यहाँ बैठा हुआ है ना, सिक्स बच्चा यहाँ बैठा हुआ है, तो इस तरीके से हम उनको पॉइंट्स दे सकते हैं, पॉइंट्स उनकी पोजिशन को हम असाइन कर सकते हैं। अपने आपके क्लासरूम में जगह अलग अलग जगह को अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दे सकते हो, आप अलग अलग कोऑर्डिनेट्स से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो पूरे क्लास में, है ना, और फिर उसको आप नाम दे सकते हो कि ये बच्चा जो है 1.2 पे बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा मान लो कि 2.3 पे बैठा हुआ है, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो उसको। तो बाय कोऑर्डिनेट्स इसका आंसर होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, पूछना चाहिए वैसे। देखो क्या लिखा हुआ है, अ सिटी हैज टू मेन रोड्स व्हिच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी, दिस टू रोड्स आर अलोंग नॉर्थ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। मतलब किस तरीके का होगा देखें अगर हम, तो एक मिनट सॉरी, देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कह रहा है, दिस रोड्स आर अलोंग नॉर्थ साउथ, मतलब इस तरीके का है, नॉर्थ साउथ तो ये हो गया और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का हो गया, ये रास्ते हैं एक्चुअली में, ये लाइन जो है ना ये रोड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक सिटी के अंदर जो रोड्स है ना बेटा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स, मतलब जो बाकी, अब ये तो मेन रोड्स हैं, ठीक है, आप इमेजिन करो एक सिचुएशन को कि ये मेन रोड्स हैं, अब इसके अंदर गलियां भी तो होंगी ना, तो जो पहली गली है वो इस तरीके की है कुछ, जो कि ये कह सकते हैं नॉर्थ साउथ वाली जो रोड है, नॉर्थ साउथ वाली जो रोड है उसके पैरेलल है, और कुछ दूसरी गली जो है वो एक गली है जो कि ईस्ट वेस्ट वाले रोड के पैरेलल है, ठीक है, फिर एक और गली है इस तरीके से, एक और गली है, गली कह लो या रास्ता कह लो, और एक और इस तरीके से इधर भी एक रास्ता है, बहुत सारे इस तरीके के रास्ते हैं, ठीक है, जो कि पैरेलल है किसके, मेन रोड के पैरेलल है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर मेन। सर दोनों जो स्ट्रीट से पैरेलल पैरेलल स्ट्रीट से है ना, हाँ हमारे बंदूक ऑल दीज अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सब के सब 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब देखो मैं इसको दूसरे कलर से अगर मैं इसको यूज करूँ ना, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे से दिखेगा। एक मिनट, जैसे
अगर मान लो कि इस रोड की मैं बात करूं, ये देखो ये ब्लू कलर से जो रोड बनाया मैंने, तो ये रोड जो है ये 200 मीटर अपार्ट है यहाँ से, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब नॉर्थ साउथ वाली रोड से ये 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ऐसे ही ये जो एक और रोड है, एक और रोड है जो कि आपको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ बना करके, ब्लैक से दिखाता हूँ तो बना करके, तो ये भी 200 मीटर पे है, ठीक है। इस तरीके से ये भी 200 मीटर के डिस्टेंस पे है, ये लिखा है ना, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट, ठीक है। एंड और क्या लिखा हुआ है, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, और 5 स्ट्रीट लगे हुए, मैंने 3 बनाए हुए हैं, इसमें 5 बनेंगे टोटल। तो ये देखो, एक ये हो गया, एक ये हो गया आपका, ठीक है। सर दोनों साइड पांच पांच है ना? हाँ दोनों साइड में 5 5 है, ठीक है। दो ये हो गया और इधर की तरफ ये क्या हो गया, एक तीसरा, 3 हो गए, तो 5 5 है इसमें। अब ये कह रहा है, देयर आर अबाउट 5 स्ट्रीट, यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक एंड रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय अ सिंगल लाइन। कह रहा है, देयर आर मेनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल, अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ एंड अनदर इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ईच क्रॉस रोड इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द सेकेंड स्ट्रीट इज रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस क्रॉस रीड क्रॉस स्ट्रीट 2,5। यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। ओके हाँ, तो अब ये देखना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा हमें, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमें अब क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। देखो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले तो एक काम करते हैं, ये रहा आपका एक्स एक्स वाई एक्सेस और ये रहा आपका एक्स एक्सेस, ठीक है। अब इसमें क्रॉस स्ट्रीट, पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट मेड बाई 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड अदर इज ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये रहा पहला स्ट्रीट, मान लेते हैं ये पहला स्ट्रीट है और ये दूसरा है, ये ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सेस, ये है एक्स डैश, ये है वाई एक्सेस, ये है वाई डैश, वाई डैश और ये ओरिजिन है। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड द फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फिफ्थ इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट सम क्रॉसिंग, देन वी कॉल दिस स्ट्रीट 2,5। अच्छा अब ये यहाँ पर एक मिनट समझना, यहाँ पर ये है हमें कि ईस्ट वेस्ट में, या ये डायरेक्शन जो है ना, ये एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन जो है, ये आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पांचवा है ना, तो ये एक हो गया, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा, ये रहा चौथा, और जगह कम पड़ गया है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, तो ये वाई एक्सिस है, तो ये रहा आपका पांचवा, ये पांचवा स्ट्रीट है, और इधर से कह रहा है सेकेंड स्ट्रीट नॉर्थ साउथ से, है ना। देखो ये देखो, ये रहा सेकेंड स्ट्रीट, तो ये जो यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, ये देखो ध्यान से देखना, ये जो मैंने गोला लगाया है यहाँ पर, ये आपका 2,5 होगा, ये 1 यूनिट जो है, ये जो 200 मीटर है इसको 1 यूनिट कहा गया है, 200 मीटर जो है बेटा इसको 1 यूनिट कहा गया है, तो ये 200 ये भी हो जाएगा, तो बेसिकली ये 400 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप 1 यूनिट बोल रहे हो, 200 मीटर को 1 यूनिट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो 400 मीटर कितना हो जाएगा, 2 यूनिट्स, ठीक है। और ऊपर में ऐसे ही यहाँ पर ये भी 200 मीटर ऊपर है, 200 मीटर है, तो ये भी 200 मीटर हो जाएगा, ये भी 200, ये 5, ये कितना हो जाएगा, 5 5 यूनिट्स हो जाएगा। तो ये कहने की कोशिश ये कर रहा है क्वेश्चन में कि ये जो पॉइंट है ये 2,5 है, ये कहना कहने की कोशिश कर रहा है, तो कह रहा है कि यूजिंग दिस कन्वेंशन फाइंड हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड एज 4,3, 4,3 से कितने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4,3 से कितने, हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3, 4,3 से कितने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्री कैसे 4,3 से कैसे 3 हो जाएगा, वन एक ही तो सेवन होगा, एक ही तो होगा है ना। देखो ना ये यस सर, तीसरा बिकॉज़ लाइन, एवरी कोऑर्डिनेट इज यूनिक। हाँ यूनिक लाइन है ना, ये देखो ये तीसरा लाइन हो गया, ये चौथी चौथी चौथा रास्ता हो गया। अब ये रहा तुम्हारा 4 यूनिट, ठीक है, सही है सर, और 3 यूनिट ये रहा, ये 3 वाला ये हो जाएगा, तो ये रहा ये पॉइंट जो होगा ना, ये पॉइंट देखो ध्यान से, ये पॉइंट यही आपका क्या है, 4,3 हो जाएगा। आई होप समझ में आया ये, समझ आ ठीक है। गया। यस सर,
और 3.4 कौन सा होगा, 3.4 कौन सा होगा बेटा, ये रहा 3 यूनिट, 1 2 3, 3 ये है और 3 से ऊपर इसके फोर, नॉर्थ फोर वेस्ट डायरेक्शन में, इसके सर फोर हाँ नंबर फोर, नंबर फोर ऑफ हाँ नॉर्थ तो 3.4 ईस्ट। ये रह जाए, ये हो जाएगा 3.4, ये पॉइंट जो है ना, ये 3.4 हो जाएगा। तो यही इसमें करना था, ये थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन था इसमें, तो आपको ये समझना था कि आपको ये कहा गया था भाई कि रोड्स है ना, एक मेन रोड है, टू मेन रोड्स हैं, बाकी सारी जो है स्ट्रीट्स हैं, उन स्ट्रीट में 5-5 स्ट्रीट्स लगे हुए हैं इधर की तरफ। अच्छा एक चीज में, यहाँ पर ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दिस रोड्स एंड 200 मीटर अपार्ट, देर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। यहाँ पर थोड़ा सा एम्बिग्यूस है ये जो लिखा हुआ है ना कि देर आर अबाउट 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो भाई, तो हम तो ये नीचे भी ले सकते थे इस रोड के, है ना, इधर की तरफ भी ले सकते थे, तो ये थोड़ा क्लियर नहीं किया हुआ है। सर तो माइनस चला जाता हूँ ना, तो हाँ? -3 या -4 आता फिर। नहीं, +4 तो बाद की बात है, बात यह है कि इसने लिखा हुआ है पैरेलल तो वो ले सकते थे, तो ये लिखना चाहिए था कि भाई पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ लेना है हमें या इधर राइट में लेना है, ये चीज यस सर, लिखना मेंशन चाहिए। होना चाहिए था। हाँ नहीं तो फिर तो नीचे भी लिया जा सकता है इसमें, और फिर तब वो 4.3 नहीं होगा, वो कुछ और हो जाएगा, वो -4.-3 हो जाएगा फिर, सॉरी 4.-3 हो जाता फिर। यस सर, यस सर, यस सर। अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज दूसरा। ये चैप्टर है ही बहुत आसान, इसमें ना ज्यादा कुछ समझाने के लायक है ही नहीं, ये सारी चीजें आप लोगों ने जिसने भी 8th में पढ़ा होगा ना उसको मुझे मेरे ख्याल से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये एक्सरसाइज सीधा क्वेश्चन पे ले जाता हूँ और आप लोग देखोगे आसानी से क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। रुको 1 मिनट, एक्सरसाइज 2 निकालते हैं। ये रहा 3.2। सर 8th क्लास में सर ने इसकी बार बुक्स बार कॉपी से कराया था ना सर, ग्राफ कॉपी से। सॉरी सर, हाँ ग्राफ कॉपी पे कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ग्राफ कॉपी पे, अगर आपने स्कूल में ग्राफ कॉपी पे किया हुआ है तो अच्छी बात है, यहाँ पर आप ग्राफ कॉपी आई थिंक लेकर के नहीं आए होंगे इसलिए मैं ऐसे ही रफली करवा रहा हूँ, सर लेकिन ग्राफ कॉपी लेना जरूरी है क्या? ओके, हाँ ऑर्डिनेट ग्राफ कॉपी पे ही करना चाहिए, ग्राफ कॉपी जरूरी है, बिल्कुल ग्राफ कॉपी पे ही करना नहीं चाहिए। सर, ग्राफ कॉपी मतलब एक्टिविटी फाइल ना, जिसमें एक पेज पर ब्लैंक होता है, एक पेज पर रिटर्न होता है और लाइन नहीं होती है। हाँ हाँ वैसा वाला ही, ब्लैंक नहीं होता है वो ग्राफ बना रहता है, इस तरह का ग्राफ नहीं देखा है तुमने, ग्राफ पेपर। हाँ सर, एक पेज पे ग्राफ बना रहते हैं, एक पेज पे वो होते लाइंस। ठीक है वही स्क्रीन वही, से लेके ब्लैक ब्लैक हो गया बिल्कुल। अब आ रहा है सही? सर स्क्रीन यस सर, कॉपी कर रहा था इसलिए, चल कॉपी कर रहा था मैं इसलिए चली गई थी स्क्रीन। अब हेलो स्टार्ट सर, करते, हाँ यस सर। अब स्टार्ट करते हैं, देखो 3.2 एक्सरसाइज, इसमें देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। दिस काइंड ऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है, सर, आंसर आगे फर्स्ट का। आंसर आ गया फर्स्ट का इतनी जल्दी? आंसर लिखा हुआ है राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन एक्स प्लेन का एक्सिस मतलब एंड क्या एक्स होता एक्सिस है? एंड वाई एक्स एक्सिस। यस सर, एक्स एंड वाई सर एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस माइनस सर। एक्स एंड वाई। कार्टेशियन प्लेन वो ग्राफ होता है जिसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, ओरिजिन होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं इसमें हाँ कार्टेशियन देखो प्लेन में। एक ना फ्रेंच मैथमेटिशियन फिलोसोफर था जिसका नाम था रेने डेकार्ट, ठीक है, उसका नाम था रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट ना इसको ही कहा जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आइडिया आया था सबसे पहले इसी के दिमाग में आया था और इसी ने बताया था। इसने क्या बताया था कि भाई किसी भी प्लेन को तुम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से 4 पार्ट में क्वाड्रेंट्स में अगर डिवाइड कर देते हो तो किसी भी पॉइंट को तुम एक्स कॉमा वाई को कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो, और उसमें एक्स जो होता है वो वाई एक्सिस से डिस्टेंस होता है और वाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस होता है। तो जिस प्लेन में हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में जिस प्लेन में हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानते हैं सीखते हैं समझते हैं उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। इसी डिस्क इसका नाम था रेने डेकार्ट, डेकार्ट से ही कार्टेशियन आया हुआ है, तो कार्टेशियन प्लेन जिसमें कि कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखते हैं, ऐसा प्लेन जिसमें कोऑर्डिनेट्स के बारे में स्टडी की जाती है उसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, रेने डेकार्ट के नाम पे है वो, ठीक है।
ओके तो क्या हो इसका आंसर होगा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, नेम द हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल जो है वो एक्स एक्सिस होगा और वर्टिकल लाइन जो होता है वो वाई एक्सिस होता है, इस तरीके से, है ना। ये है आपका हॉरिजेंटल लाइन और ये है आपका ऊपर वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। सेकेंड क्वेश्चन, सर सेकंड का भी आंसर आ गया, क्वाड्रेंट्स व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन क्वाड्रेंट्स फाउंड बाय दिस क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्वाड्रेंट्स थर्ड है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू ओरिजिन लाइन ओरिजिन ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन। ओरिजिन हाँ वेरी गुड। अब देखो इसमें कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी बताओ क्या है इसमें। देखो कहाँ है बी भाई, ये रहा बी, सर -5 एंड -5 2 सर, 5 एंड -5 2 सर, -5.2 सर, -5.2 ठीक है। और सर बी का जो सेकंड कोऑर्डिनेट रहा होगा, 5 -5 सी का कोऑर्डिनेट होगा 5 -5 5 -5 सी, सी का 5 -5 सी का क्या होगा फाइव फाइव -5 5 हाँ ठीक हाँ थर्ड है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -3, -5 सर, पॉइंट पॉइंट एच। हाँ तीसरे का आंसर क्या होगा, पॉइंट ई, है ना, ई हो जाएगा। जी सर पॉइंट जी, फोर्थ ए सर, फोर्थ पॉइंट सर, पॉइंट जी सर, पॉइंट जी पॉइंट जी फिफ्थ का एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी क्या होगा। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, सर सिक्स सिक्स सर सिक्स 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 का द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच -3 -5 -5 सर फिर जीओ सर, ऑर्डिनेट पूछा है सिर्फ सर, कोऑर्डिनेट पूछा है सर, ऑर्डिनेट पूछा है ना भाई, ऑर्डिनेट पूछा है, नहीं आएगा सिर्फ ऑर्डिनेट पूछा है, ये -3 होगा, ठीक है। सेवेंथ का सर 0 एंड 5 0.5 0.5 0.5 सर, 8 का -3 और 0 -3 एंड 0 -3 एंड 0 -3, 0 -3.0 हो गया, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, बस इतना ही था, ठीक है ये बच्चों, इतना ही था इसके अंदर, इस एक्सरसाइज में इतना ही था। और आगे भी आपको प्लॉट ही करना है, पॉइंट्स को प्लॉट ही करना है, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल मैं आपको सॉल्व एग्जांपल दिखा देता हूँ, है ना, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। रुको एक मिनट, रुक जाओ, एक सॉल्व एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके एनसीईआरटी से। देखो ये है, एक अच्छा सा एग्जांपल दिया हुआ है और एक्सरसाइज में भी ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, इसलिए एक बार देख लेते हैं कैसे करा जाता है, सॉल्व कैसे करोगे आप, जब सॉल्व करोगे तो किस तरीके से करोगे। देखो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लोकेट द पॉइंट्स 5.0, 0.5, 2.5, इतने सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, कह रहे हैं इनको लोकेट करो कार्टेशियन प्लेन में। कार्टेशियन प्लेन का मतलब वो एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक्स वाई प्लेन को ही कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जो कि रेने डेकार्ट के नाम पे दिया गया है, उसके ऑनर में। अब इसमें क्या कहा गया है, देखो कि 1 सेंटीमीटर को ना तुम 1 यूनिट ले लो और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लो। तो ड्रॉ कर रखा है पहले से ही, आप देख सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसमें पहले से ही ड्रॉ कर रखा है क्वेश्चन के अंदर, सॉरी सॉल्यूशन के अंदर। अब इसमें बहुत ही सिंपल है कि आपको सबसे पहले 5.0 ड्रॉ करना है। तो 5.0 में बेटा, 5.0 में ये 5.0 में इसको हम कहते हैं एब्सिसा, ठीक है, और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, ये सबको पता है। और जब भी ऑर्डिनेट जीरो हो, जब भी ऑर्डिनेट जीरो होता है, जब भी ऑर्डिनेट जीरो है तो वो पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। और अगर एब्सिसा जीरो हो, एब्सिसा अगर जीरो हो ठीक है। हाँ बोलो सर, जैसे कि
हमें लाइन ग्राफ में होता है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट एक लाइन खींचनी होती है सर, इसमें सिर्फ डॉट बनानी पड़ती है क्या? ऑरिजिन लिखना पड़ता है? हाँ डॉट बनाना पड़ता है, डॉट से दिखाते हैं। लाइन लाइन नहीं खींचनी पड़ती? अगर किसी ने लाइन बनाया तो वो गलत तो नहीं होगा ना? नहीं लाइन बनाने जरूरत नहीं है, लाइन बना सकते हो आप उसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है, डॉट डॉट डाल के लाइन बना सकते हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आप वो बनाओ तो भी सही है, नहीं बनाओगे तो गलत नहीं होगा, ऐसे करोगे तो भी गलत नहीं माना जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ देखो ध्यान से देखो इसमें, अब जैसे पहले सबसे पहले था 5,0, तो ये रहा 5,0, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये रहा 5,0 को प्लॉट कर दिया। फिर है 0,5, तो ये रहा 5,0,5। फिर है 2,5, तो 2 यूनिट एक्स एक्सिस पे और 5 यूनिट वाई एक्सिस पे, तो ये रहा पॉइंट, है ना। कई कई बार बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना, और फिर उसको मिलाते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हो, और डायरेक्टली अगर कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2,5 ये रहा, फिर 5,2, तो 5,2 कहाँ होगा बेटा, ये रहा 5,2, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये रहा 5,2। 5 यूनिट लेना है एक्स एक्सिस पे और 2 यूनिट लेना है आपको वाई एक्सिस पे, देख रहे हो ओके इस तरीके से। और फिर है -3,5, -3,5 का मतलब एक्स पे -3 लेना है, और एक्स पे -3 लेना है और वाई पे 5 लेना है, जहां पर दोनों मिलेंगे वही पॉइंट आपका, वही पॉइंट जो है बेटा वो बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट -3,5। तो ऐसे ही करना है, 5,-3 है, तो फिर 5 ये रहा और -3 ये रहा, तो ये आ जाएगा 5,-3 आपका, ठीक है। 6,1 है, तो 6,1 6 यूनिट लेना है एक्स एक्सिस पे और 1 यूनिट लेना है आपका वाई एक्सिस पे, देख रहे हो इस तरीके से पॉइंट मिल जाएगा 6,1। तो हो गया, बस प्लॉट कर दिया हमने, ओके तो ये बहुत ही सिंपल था। अब इसमें देखो कुछ एक नोट दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी में नोट दिया रहता है तो अच्छा रहता है, वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है, तो कुछ नई चीज देखें इसमें, कुछ नई चीज निकल के आ रही है क्या, देखते हैं। तो कह रहा है इन द एग्जांपल अबव यू सी दैट 5,0 एंड 0,5 आर नॉट एट द सेम पोजीशन, ठीक है, मतलब वो बताना चाह रहा है 5,0 एंड 0,5 जो है वो अलग अलग जगह पे हैं, और 5,2 एंड 2,5 जो है ये भी डिफरेंट पोजीशंस हैं इनकी, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब, समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि बाई टेकिंग सेवरल सच एग्जाम्पल्स यू विल फाइंड दैट इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई बराबर नहीं है, एक्स और वाई बराबर नहीं है, तो ये दो अलग अलग पोजीशंस को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 2 है, और एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों ही पॉइंट जो है ये अलग अलग जगह पे होंगे, ये दोनों ही पॉइंट्स अलग अलग जगह पे होंगे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो इफ वी आर इंटरचेंजिंग द कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई, द पोजीशन ऑफ वाई एक्स विल डिफर फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एक्स कॉमा वाई, है ना। दिस मींस दैट ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई इज इंपॉर्टेंट, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कि जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो उसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट का जो पोजीशन होता है लेफ्ट और राइट, लेफ्ट एंड राइट, ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आप उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख सकते हो। और कई बच्चे ना क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट लिखते टाइम में ना ऐसे लिख देते हैं 5,0, ऐसे नहीं होता है, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है। ब्रैकेट में लिखने से ये क्लियर होता है कि वो कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी 5,0 को ऐसे नहीं कि पहले 0 लिख दिया फिर 5 लिख दिया, ऐसे ऐसे नहीं चलेगा, मतलब 5,0 5,0 ही है, 5,0 का मतलब हुआ कि, हाँ बिल्कुल। अब एक बात और इसने कहने की कोशिश की है, ठीक है, ये देखो, ये मेरे ख्याल से मैं पढ़ाने के साथ साथ जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना ये चीज, तो मुझे अभी समझ में आता है कि बच्चे क्यों कंफ्यूज रहते हैं। अगर कोई एक बच्चा 11th क्लास में आकर के उसको नहीं समझ में आता है, तो उसका रीजन यही है कि ये चीज बेसिक चीज उसको क्लियर नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि ये क्यों नहीं बच्चे वहां पर कंफ्यूज रहते हैं 11th क्लास में, तो अब मुझे समझ में आ रहा है क्यों कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये चीजें सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, वो कुछ कुछ से कुछ अपने दिमाग में सोच लेते हैं, इसको क्लैरिटी के साथ इसको नहीं पता होगा ना, वो बच्चा कंफ्यूज रहता है 11th क्लास में 12वीं क्लास में भी, ठीक है। ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर को समझना जरूरी है, ऑर्डर्ड पेयर किसको कहते हैं, वहां पर गलती से बोल दिया ऑर्डर्ड पेयर, अब बच्चा कंफ्यूज, ऑर्डर्ड पेयर क्या हो गया भाई, देखो 9th क्लास में लिखा हुआ है ऑर्डर्ड पेयर, और ये बार बार यूज होगा वर्ड, ऑर्डर्ड पेयर इसी को कहा जाता है, ए कॉमा बी अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, तो इसको ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं, ठीक है। ये ए है और ये बी है, कह सकते हैं कि बी जो है वो ए से रिलेटेड होता है, ऐसे भी बोलते हैं कई बार लोग, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई जो है, जिसको आप कोऑर्डिनेट्स भी कहते हो, ऑर्डर्ड पेयर कहो चाहे कोऑर्डिनेट्स कहो, यहां पर तो कोऑर्डिनेट्स ही बोलेंगे हम, तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई जो है ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ वाई कॉमा एक्स के बराबर नहीं होता है, ठीक है, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। और अगर एक्स और वाई बराबर हो जाएंगे, एक्स और वाई अगर बराबर हो जाए, तो एक्स कॉमा वाई लिखो चाहे वाई कॉमा एक्स लिखो, बराबर होगा। ये तो बहुत बेसिक सी बात है, ये बहुत ही बेसिक बात है, ठीक है, और ये फाउंडेशन है मैथमेटिक्स का, ये बेसिक फाउंडेशन है। थ्री थ्री कॉमा थ्री थ्री कॉमा थ्री, इसी को नहीं पता वाई पहले लिखा है।
बिल्कुल बिल्कुल, बेसिक चीजें मैथमेटिक्स टफ कब होती हैं, जब बेसिक चीजों को आप भूल जाते हो, बेसिक चीजों को आप स्किप कर देते हो, तो है ना। तो कई बार ये चीज मुझे अभी स्ट्राइक किया है, ये चीज देख करके कि बच्चा क्यों कंफ्यूज रहता है, ये चीज बेसिक चीजें नहीं पढ़ता है वो, है ना। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स बराबर नहीं होते हैं, और इसकी यूटिलिटी आपको समझ में आएगी। कोई बच्चा आगे जाकर के अगर मैथ्स पढ़ेगा, 11th 12th 11th क्लास में जाकर के जब मैथ्स पढ़ेगा, तो ये आपको स्ट्राइक करेगा कि देखना क्यों दिया हुआ है, ये पर्पसफुली दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, अभी नहीं पड़ेगी लेकिन जब 11th क्लास में जाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने, तो वहां पर देखना जरूरत पड़ती है, और वहां पर ये बेसिक चीज है, ये नहीं पता होगा तो वहां पर आप कंफ्यूज रहोगे, ठीक है बेटा। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था, इसमें ऑब्जर्वेशन जो दी हुई थी ये भी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन थी। अब हमने जो सीख लिया, समझ लिया, अब इसके बाद हम लोग इसका एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ये रहा 3.3 एक्सरसाइज है, और इसमें आपको दो क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं बस। और कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि इन विच क्वाड्रेंट ऑन द एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट्स लाई, वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो सभी बच्चे सबसे पहला काम ये करेंगे कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना लेंगे, ये अच्छे से बनानी लाइन, इसमें लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन है क्या? ये है ना, ये रहा एक्स एक्सेस सर वाई क्या हुआ? सर आप एक एक्सिस बोल रहे ये रहा ना, ये ठीक है, ये रहा एक्स एक्सेस, ये रहा वाई एक्सेस, ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। ये है एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, और इसमें देखो हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं मैक्सिमम कहाँ तक गया हुआ है, या मिनिमम कहाँ तक गया हुआ है। तो -5 तक गया हुआ है, सॉरी वाई एक्सेस पे -5 तक गया हुआ है, तो इसको ले लेते हैं -1, ये रहा -2, ये रहा -3, ये रहा -4, और ये रहा -5। और एक्स में कितना गया हुआ है, मिनिमम या मैक्सिमम? 3 तक गया हुआ है, तो ये रहा 1, ये रहा, ऐसे रफली ले रहा हूँ, आप लोग मेजर करके लेना पड़ेगा। ग्राफ पेपर आपके पास होगा तो आप लोग उसको आप एग्जैक्ट ले सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पर ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैंने क्या किया, अप्रोक्सीमेट ले लिया, ठीक है बच्चों। हो गया बस, अब आपको प्लॉट करना है खाली। तो -2.4 कहाँ होगा बेटा? -2.4, अच्छा 4 भी तो है मैक्सिमम, सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, हाँ -2 रहा ये और 4 रहा ये, सर फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, नेक्स्ट बिल्कुल सर सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड है सर सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट, सर नेक्स्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, हाँ यस सर नेक्स्ट इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सर नेक्स्ट वन इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अच्छा 3.-1 है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई मेरे से, ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पर जो है ना ये नहीं आएगा। ये 3.-1 है, देखो ये रहा 3 और ये रहा -1, तो ये बेटा क्या होगा, 3.-1, सर ये थर्ड x एक्सिस, नेक्स्ट वन ऑन एक्स एक्सिस, नेक्स्ट वन ये ऑन रहा एक्स, माइनस फिर है 1.2, 1.2 कहाँ आएगा, फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 1.2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, और -3.-5 है, -3 माइनस कॉमा थ्री कॉमा माइनस फाइव थर्ड क्वाड्रेंट, ये आएगा यहाँ पर, सर आपने एक गलत किया, -1.0 तो वो तो इधर आएगा ना एक्स एक्सिस कहाँ पे, पर? -1.0 है तो एक्स एक्सिस पे, ये रहा ना माइनस, एरो ओके से दिखाया, एरो से, सर ठीक है, एरो बना दिया है, हो गया बेटा, यही करना था इस क्वेश्चन में, डन, ठीक है। अब एकदम हाँ ये ऐसे ही करना था इसको, ठीक है, और आप चाहो तो आप स्केल से ऐसे लाइन खींच के, और फिर उसमें 1 यूनिट लेकर के, 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट लेकर के आप तब भी कर सकते हो, ग्राफ पेपर पे अगर नहीं करते हो तो एज इस तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, समझ में आया? यस सर ओके यस सर अंडरस्टूड सेकेंड यस पार्ट, सर
देखो सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट सभी बच्चों ने पढ़ लिया होगा। क्या क्वेश्चन है? प्लॉट द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्स एक्स ऑन द एक्सेस। एक्सेस का मतलब एक्सिस का प्लूरल होता है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, ये कर लोगे ना सभी बच्चे? करो सभी बच्चे, सभी बच्चे करो। सभी बच्चे करो और मैं भी ट्राई करूंगा अभी थोड़ी देर में, जिसको नहीं आएगा समझ में उसके लिए। सर डन। ओके, बाकी बच्चे को भी करने दो। सडन ठीक है, देखो आई थिंक मेरे ख्याल से इसमें मुझे वैसे समझाना तो नहीं चाहिए, कि जरूरत नहीं है समझाने की, लेकिन फिर भी देखो मैं बताता हूँ। माइनस टू कॉमा एट कहाँ होगा? ये रहा माइनस टू कॉमा एट, है ना? माइनस टू कॉमा एट आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। माइनस वन कॉमा सेवन कहाँ होगा? माइनस वन कॉमा सेवन इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन कॉमा सेवन। फिर है जीरो कॉमा माइनस वन पॉइंट टू फाइव, तो माइनस वन कॉमा टू ये रहा, ये पॉइंट होगा। मैं एरो से दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जीरो कॉमा माइनस वन पॉइंट टू फाइव, ठीक है? माइनस सर वन वन पॉइंट टू पॉइंट फाइव टू फाइव माइनस को कैसे शो करेंगे, बीच में तो 10 ही लाइनें होती है ना, या वो अप्रोक्सीमेट ले लेंगे, ठीक है? नहीं तो फिर इसका अप्रोक्सीमेट यूनिट लेने बड़ा की लेना, जरूरत। थोड़ा यूनिट बड़ा करके लेना पड़ेगा, जैसे मतलब वन और टू के बीच में ना, स्केल से जब मेजर करके करोगे तो फिर आपको दिख जाएगा उसमें। वन कॉमा थ्री, वन कॉमा थ्री कहाँ होगा? यहाँ पर वन कॉमा थ्री आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और थ्री कॉमा माइनस वन कहाँ होगा? ये रहा माइनस थ्री कॉमा माइनस वन, थ्री कॉमा माइनस वन क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है जी? हो गया, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट था, ये दो पॉइंट जो थे ये सेकंड क्वाड्रेंट के थे, और ये तो वाई एक्सिस पे था, इसे किसी क्वाड्रेंट में नहीं था, ये वाई एक्सिस पे था। ये जीरो कॉमा माइनस वन पॉइंट टू फाइव कहाँ था? वाई एक्सिस पे था, क्वाड्रेंट में नहीं था, और ये किस में है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है? तो यही करना था, ये एक्सरसाइज हो गया कंप्लीट, ठीक है? वेरी इजी। वेरी इजी, हाँ तो हाँ चैप्टर ही एंड हो, एक्सरसाइज है सो ये चैप्टर ही एंड हो, चैप्टर भी खत्म हो गया हाँ। अब सर। देखो, नेक्स्ट अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करेंगे, देखते हैं एग्जाम्पलर में क्या दिया हुआ। एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चंस हैं क्या? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से करेंगे। ओलंपियाड्स में तो ये चैप्टर नहीं आता होगा ना सर? ओलंपियाड में नहीं, जनरली नहीं आता है ये। सर सप्ते के ज्यादा मार्क्स तो होते नहीं होंगे। ये अभी तुम लोगों के लिए अभी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये 11th क्लास से इम्पोर्टेंट होता है। अभी अभी ये इंट्रोडक्शन है ना, अभी तुम लोग बेसिक सीख रहे हो, ठीक है? जैसे जोड़ना सिखाते ना, ऐड करना, मल्टीप्लिकेशन करना जो है, ये पहली क्लास में या नर्सरी केजी में सिखाते हैं ना, जोड़ना प्लस करना माइनस करना, तो वो क्या इम्पोर्टेंट नहीं होता है क्या? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुमने जोड़ना घटाना अगर नहीं नर्सरी और केजी में यूकेजी में नहीं सीखा होगा, तो अभी तुम कुछ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो वही चीज़ है, अभी तुम लोग सीख रहे हो बच्ची वाली, ये अभी तुम बेसिक सीख रहे हो, एबीसीडी सीख रहे हो, कोऑर्डिनेट्स का ना एबीसीडी सीख रहे हो, तो एबीसीडी पता होगा तभी तो आगे सीख पाओगे। ये बहुत जगह काम आता है, ये इनफैक्ट 11th क्लास में भी आएगा, फिर आगे जाके पढ़ोगे तो उसमें भी काम आएगा, कई जगहों पे काम आता है। तो अभी तो हम लोग बहुत बेसिक चीजें कर रहे हैं, एबीसीडी कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना? सर ट्रिगो में भी तो आता है इसका, कार्टेशियन प्लेन पे वो ड्रॉ करने का। सब जगह आता है, बहुत जगह सेकंड यूज होता क्वाड्रेंट, पहले का आंसर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर क्वाड्रेंट। रहे हैं बच्चों हम लोग, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और देखो सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो, ठीक है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो।
ये होता है सिचुएशन, तो माइनस प्लस, माइनस प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं, बोलेगा नहीं कोई अभी, सुनो ध्यान से। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स वाला निगेटिव होता है और वाई वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, मतलब एब्सिसा जो है निगेटिव होगा और ऑर्डिनेट बेटा पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होते हैं, मतलब ऑर्डिनेट भी निगेटिव और एब्सिसा भी निगेटिव। ऐसे फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा पॉजिटिव और ऑर्डिनेट निगेटिव होता है, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट, ये याद रखने वाली चीज है। तो ये कह रहा है कि साइन ऑफ द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द, ये क्या है पॉइंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव होता है, देखो निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव कहाँ है, ये रहा सी ऑप्शन। सभी बच्चे ट्राई करो, मैं आंसर देख रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। थर्ड फोर्थ तक बच्चे पहुंच गए हैं, वेरी गुड। नीरज शर्मा, भूमिका, संचित, श्रुति, युक्ति, टीशा, पारस, साजिद, मनोज जैन, अभय, तुमर, नमन। ओके, आसान है मेरे ख्याल से, सभी बच्चों ने कर लिया होगा, इसमें समझाने की जरूरत है भी नहीं। जीरो कॉमा माइनस सेवन कहाँ होगा, जीरो कॉमा माइनस सेवन ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है तो मतलब वाई एक्सिस पे होगा, ये रहा वाई एक्सिस पे। माइनस टेन कॉमा जीरो कहाँ होगा, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है ना, निगेटिव डायरेक्शन। माइनस टेन कॉमा जीरो कहाँ होता है, ये निगेटिव, इसको बोलते हैं निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसको बोला जाता है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और ये क्या है बेटा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये वाला पार्ट क्या होता है, ऊपर वाला वाई एक्सिस के ऊपर वाला हिस्सा जो होगा, ओरिजिन से ऊपर वाला हिस्सा, उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं और नीचे वाला पार्ट निगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऑन द निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा ऑब्वियसली। और एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एब्सिसा एक्स एक्सिस पे एब्सिसा, एनी रियल नंबर, ये होगा आंसर। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस ये रहा, इस पे एब्सिसा, एब्सिसा ऑब्वियसली रियल, कोई भी रियल नंबर होगा, इधर की तरफ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ये जीरो होगा, इधर की तरफ माइनस निगेटिव रियल नंबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन से लेफ्ट में निगेटिव रियल नंबर, ओरिजिन से राइट में पॉजिटिव रियल नंबर्स। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, स्केल से करना पड़ेगा वो कंपास से। ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस पे जीरो, जीरो, ठीक है। ओके, सिक्स तक हो गया, नेक्स्ट करते हैं आगे, सेवन से करते हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें, काफी है। कई सारे बच्चों ने आंसर दिया है, पारस, अभय, नमन, देव, जीशान, मयंक, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, अ पॉइंट ऑफ बोथ होज कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव विल लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा हुआ पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में, डू नॉट लाई ऑन द सेम क्वाड्रेंट, हाँ डू नॉट लाई ऑन सेम क्वाड्रेंट, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट, y कोऑर्डिनेट में होते हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन द पॉइंट लाइज ऑन, सर एक सेकंड सर, जो 8th वाला है वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा ना, हां सर 8th का आंसर सी ही होगा, थर्ड क्वाड्रेंट सर, अच्छा सी होगा, 8th का सी होगा, हां 8th का सी होगा,
द पॉइंट माइनस फाइव कॉमा टू एंड टू कॉमा माइनस फाइव लाई इन द ये सेकेंड और सेकेंड और इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज फाइव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज फाइव मतलब ये रहा डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइव है एंड फुट ऑफ द लाई ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस फुट जो है वो नहीं इधर की तरफ होगा इनफैक्ट इधर की तरफ ये नहीं होगा इधर की तरफ होगा तो ये डिस्टेंस जो है ये फाइव है ठीक है और द पॉइंट पी हैज एक्स कोऑर्डिनेट माइनस फाइव होगा ठीक है सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कह रहा है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स अच्छा उल्टा लिख दिया मैंने वाई से ले लिया सर आपने वाई से ले लिया सर इसमें डी होगा अच्छा हाँ ठीक है सही कह रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 5 यूनिट तो ये 5 यूनिट है ना ये 5 यूनिट दिया हुआ है एंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाई ऑन द नेगेटिव ये रहा ये मतलब वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट 5 नहीं होगा वाई कोऑर्डिनेट 5 हो जाएगा सर एक बार परपेंडिकुलर वाला दोबारा माइनस 5 भी तो हो सकता है ना सर ये नीचे से हुआ तो परपेंडिकुलर नीचे से हुआ तो माइनस 5 भी तो हो सकता है ना If the perpendicular distance of a point P from x-axis is 5 unit and the foot of perpendicular lies on the negative direction of x-axis, then the point P has एक possibility तो ये हो गई ठीक है कि point P यहाँ हो सकता है ठीक है और दूसरी possibility ये होगी कि P point यहाँ भी हो सकता है correct है ये इधर भी हो सकता है P point यहाँ भी हो सकता था दो दो positions हैं इसकी perpendicular distance का मतलब यही हुआ कि P से कोई भी point P है और उसका x axis से distance बोला है ना x axis से distance P है तो यही हुआ ये point P है इसका x axis से distance 5 है और लेकिन 5 तो distance यहाँ से भी हो सकता था ठीक है यहाँ से भी डिस्टेंस 5 हो सकता था और ये कह रहा है कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है मतलब ये इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड में है मतलब इधर की तरफ होगा लेफ्ट साइड में होगा तो ये दो पॉसिबिलिटी है पॉइंट की पी यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी दोनों जगहों पर पी हो सकता है तो जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हम कहेंगे कि 5 होगा अच्छा पी पॉइंट यहाँ भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है पी पॉइंट यहाँ भी हो सकता था तब भी हम 5 ले सकते थे और यहाँ पर भी पी पॉइंट हो सकता था समझ लो बात को ये P की पोजीशन यहाँ पर फिक्स नहीं है कहीं पर भी हो सकती है यहाँ पर P इस लाइन में इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी P हो सकता यहाँ पर भी P हो सकता था यहाँ पर भी सभी केसेस में देख लो कि ये जो Y कोऑर्डिनेट है चेंज थोड़ी होगा सभी केस में 5 ही रहेगा या P की पोजीशन यहाँ भी हो सकती थी यहाँ भी हो सकती थी इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी ले सकते हैं P की पोजीशन ठीक है इधर की तरफ इस लाइन पे लेफ्ट साइड में कहीं पर भी P ले सकते थे तो X कोऑर्डिनेट के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते इसमें लेकिन Y कोऑर्डिनेट फिक्स होगा तो D आंसर आएगा सर जब हमें किसी एक क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन करते हैं तब हम क्या करते हैं क्या करते हैं सर जब हमें किसी कोई एक्सिस को या तो एक्स या वाई को मिरर लेना होता है एज अ मिरर अज्यूम करना होता है तो वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं एक्स कॉमा वाई है और एक्स एक्सिस मान लो कि इसका मिरर है ठीक है तो इसमें रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको रिफ्लेक्शन में एक्स कॉमा माइनस वाई हो जाएगा है ना तो मतलब और अगर हमें ये मेंशन ना है कि वो जैसे हमसे डायरेक्टली ये बोला कि जैसे x कॉमा वाई है और उसकी रिफ्लेक्शन x माइनस वाई है मतलब x कॉमा तो अब हमें बताना है कि इसमें मिरर क्या है तो हम कैसे पहचानेंगे x x कॉमा y से x कॉमा माइनस y हुआ है इसका मतलब y में खाली चेंज आया है ठीक है जब कभी y में खाली चेंज हो तो मिरर x एक्सिस ही होगा और जब x में चेंज आएगा तो मिरर y एक्सिस होता है ठीक है अगर x कॉमा y से अगर इसमें चेंज होकर के माइनस x कॉमा y हो गया है ठीक है इसका मतलब मिरर जो है इस केस में क्या है y एक्सिस है ओके सर समझ आ गया ठीक है सर मतलब जिस उसमें चेंज होगा उसका उल्टा मतलब जैसे अगर y में है तो x एक्स मिरर है और एक्स में हो रहा है तो वाई मिरर है वही वही होता है 13th नंबर क्वेश्चन है ऑन प्लॉटिंग द पॉइंट्स जॉइनिंग OA OB BC CA CO सब जॉइन कर दिया भाई क्या बनेगा तो देखना पड़ेगा क्या बनेगा नहीं ओके सर रेक्टेंगल स्क्वायर बनेगा रेक्टेंगल बनेगा और जीरो कॉमा फोर का मतलब ये
हाँ रेक्टेंगल बनेगा, सही बात है, रेक्टेंगल ही बनेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आ गया है तुम्हारा 4 और ये डिस्टेंस आ गया 3, तो 3/4 का एक रेक्टेंगल बन गया ये। यस सर, डिस्क का डायमेंशन 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स है। हाँ ए बी और सी, ओ ए बी सी, ये रहा ओ ए बी सी, तो क्या बनेगा बेटा रेक्टेंगल, आंसर क्या होगा रेक्टेंगल। ऐसे ही कह रहा है प्लॉट करो और फोर्थ क्वाड्रेंट ना, देन द पॉइंट्स इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉइंट है, 14th क्वेश्चन में, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव होता है, तो ये रहेगा क्यू होगा, आर क्यू बी होगा, आर बस होगा क्यू और आर, सर, क्यू एंड आर। हाँ क्यू एंड आर, जिसका एक्स पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है उसको कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द टू पॉइंट्स पी -2, 3 एंड देन एब्सिसा ऑफ पी -Q, एब्सिसा ऑफ पी कितना है, -2 है, माइनस एब्सिसा ऑफ टू क्यू कितना है, माइनस एब्सिसा थ्री ऑफ, तो -(-3) है ना, तो कितना बन जाएगा 1, ये आंसर होगा बी। क्या आंसर होगा बेटा बी, दोबारा से रिपीट कर। एब्सिसा ऑफ पी क्या है, एब्सिसा ऑफ पी -2 है और एब्सिसा ऑफ क्यू क्या है -3 है, तो 2 में से -3 को माइनस करना है। ओके सर, 16th क्वेश्चन में लिखा है पी की, पी का कोऑर्डिनेट, पी के कोऑर्डिनेट्स है 5,1, क्यू का कोऑर्डिनेट है 8,0, आर का कोऑर्डिनेट्स है 0,1, प्लॉट ऑन ग्राफ पेपर द पॉइंट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कौन है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो ये क्यू होगा एंड ओ, और ये ओ, ओनली ठीक है, क्यू। क्यू एंड ओ, क्यू एंड ओ, अरे दोनों होता है, ओरिजिन दोनों एक्सिस पे होता है, ओरिजिन वाई एक्सिस पे भी होता है, ओरिजिन इज द ओनली पॉइंट व्हिच लाइज बोथ ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ओरिजिन लाइज ऑन बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है समझ में आया, ओरिजिन दोनों पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पे भी लाई यस करता है सर, और वाई एक्सिस पे भी लाई करता है। एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट और एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट फर्स्ट एंड एंड फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट, बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट सर फोर्थ। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके सर। काफी क्वेश्चंस हैं, 24 क्वेश्चंस हैं इसमें, तो 6 और बचे हैं, 7 बचे कि 6 बचे, 7, देखो 18th क्वेश्चन है, द पॉइंट हुज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स हैव डिफरेंट साइंस विल लाई इन, डिफरेंट साइन है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड सेकंड फोर्थ, एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, द सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, इन द फिगर माइनस 3.1 कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर, पी का माइनस कोऑर्डिनेट टू क्या एंड है, फोर, माइनस माइनस टू टू कॉमा फोर दैट इज बी, माइनस टू कॉमा माइनस फोर टू, हाँ माइनस टू इनवेगा कॉमा थ्री फोर, पॉइंट टू माइनस टू देखो एंड कई कई बच्चे ना ऐसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट, मैंने पूछा ना जैसे इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या है, तो कहते हैं कोई बच्चे -2 एंड 4, टू -2 एंड 4 नहीं बोला जाता है, ठीक है -2, 4 ये बोला जाता है, ठीक है -2 एंड 4 नहीं बोला जाता है, -2, 4 कहते हैं, और लिखते ऐसे हैं, ऐसे ऐसे नहीं लिखते हैं, -2 और 4 ऐसे भी नहीं लिखना है, ये गलत है, ये तरीका सही है, ये भी गलत है, -2 एंड 4 भी नहीं बोलना चाहिए, -2, 4 कहना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, तो कॉमा लगता है एंड नहीं लगता है, और दूसरी बात कि -2, 4 को ब्रैकेट के बिना नहीं लिखना चाहिए, कोऑर्डिनेट जब भी लिखेंगे तब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इस तरीके से, ये सही तरीका है। ओके 3.2 में है, इन फिगर 3.2 ये नीचे फिगर दिया हुआ है, आइडेंटिफाइड बाय द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय -5,3 L, माइनस L, फाइव कॉमा थ्री क्या होगा, ये पॉइंट होगा, एल होगा, सर हाँ L, द पॉइंट वॉज L ऑर्डिनेट इज 4 एंड व्हिच लाइज ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे है और ऑर्डिनेट 4 है, 0.4, 0.4 0.4 0.4 V of the point 0,3, Q 1,0, R 0,-1, S -5,0, T do not lie on x axis. X axis के ऊपर कौन लाई नहीं करता है? X axis के ऊपर P नहीं लाई करता है, R नहीं लाई करता है, T नहीं लाई करता है। P R and T. C ऑप्शन होगा। 23rd नंबर क्वेश्चन।
The point which lies on y-axis at a distance of 5 units in the negative direction of y-axis. Zero, minus five. Y-axis पे है तो x-coordinate 0 हो जाएगा, 0, minus 5. फिर देखो 24, the perpendicular distance of the point P 3,4 from y-axis. 3,4 ये रहा. 3 units. Y-axis से perpendicular distance कितना होगा? 3 units. रिकॉर्डिंग वीडियो देखना तुम, ठीक है? सर बस एक बार क्वेश्चन शो कर दो. ओके सर. सर ये चैप्टर एग्जाम्पलर से भी कंप्लीट हो गया मतलब? अभी तो एक सब्जेक्टिव करेंगे ना बच्चे, अभी तो ऑब्जेक्टिव हुआ है. सब्जेक्टिव का मैं ना सबसे टफ वाला पार्ट लेता हूँ, ठीक है? ओके सर. क्योंकि आसान वाले में तो कुछ करना ही नहीं है, आसान वाले. लेकिन तुम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रैक्टिस जरूर कर लेना जो बचे हुए. मैं तो लास्ट एक्सरसाइज ले रहा हूँ, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि लास्ट एक्सरसाइज सबसे टफ होगा, क्योंकि इसमें सबसे जो आसान है ना, मतलब सबसे टफ जो है ना, वो भी मुझे टफ नहीं लग रहा है, ठीक है? तो इसीलिए जो सबसे लास्ट वाला एक्सरसाइज है वो भी मुझे लगता है आसान ही है. तो जो बचा हुआ पार्ट है वो आप लोग कर लेना घर पे, ठीक है? छोड़ना मत उसको, कर लेना. ओके सर. हाँ एग्जाम्पलर है ये, एनसीईआरटी फ्री में अवेलेबल है. एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है? सर पीडीएफ डाउनलोड ही नहीं होती. मैंने कैसे कर रखा है? डाउनलोड कर रखा है मैंने. देखो होते ही डाउनलोड करोगे तो सही से करोगे तब पता चल जाएगा, ठीक है? एनसीईआरटी पे जाना, एनसीईआरटी बुक्स पे जाना और उसमें देखना कहाँ पर है एग्जाम्पलर, हो जाएगा डाउनलोड. देखो बेटा ये फिर से वही चीज है जो हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले, वही है. कुछ इसमें खास है ही नहीं स्पेशल, बहुत ही सिंपल है. पहला पहला एग्जांपल है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट्स ए 5,3, बी -2,3, डी 5,-3 वर्टाइसेस ऑफ ए स्क्वायर एबीसीडी. तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाओगे, आप ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. ये मे भी थोड़ा सा टफ लग रहा है, बट थोड़ा सा ही टफ है, ज्यादा ज्यादा भी टफ नहीं है. देखो सर ये तो बना के पता चल जाएगा. हाँ जी, इसमें बनाना पड़ेगा, इसमें बेसिकली क्या है कि बनाना पड़ेगा आपको. तो ये देखो -4 तक है ये, तो ले लो -1, -2, -3, -4. रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, 5 तक है, 1, 2, 3, 4, 5 रफली ड्रॉ कर दिया मैंने. -4 तक है, -1, -2, -3, -4 और उसमें कितना है, 3 तक है, 1, 2, 3. चलो पहले ए की बात करते हैं. ए है 5,3, तो बेटा कहां पर होगा ये रहा आपका 5,3. -2,3 कहां होगा बच्चों? ये रहा -2,3, ये आपका बी पॉइंट है. और 5,-4 कहां होगा? 5,-4 यहां पर होगा, ये रहा 5,-4, ये आपका कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? सी है. और कह रहा है कि ये एक स्क्वायर है, तो देखो ध्यान से, देखो जॉइन करना पड़ेगा. एक मिनट, अच्छे से बन नहीं पाया. अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था कि -2 and -4 नहीं बोला जाता है, -2, -4 बोला जाता है. ये हुआ है, देखो तुम्हें सीधा सीधा क्या करना है, ये सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है? और यहां से भी सीधी लाइन ड्रॉ करनी थी, सी से भी सीधी लाइन ड्रॉ करनी थी और बी से भी सीधी लाइन ड्रॉ करनी थी. जहां पर दोनों मिलेंगे वही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? डी बनेगा, जो कि एक स्क्वायर कंप्लीट करेगा. दिख रहा है ना साफ साफ? मैंने रफली बनाया है फिर भी थोड़ा स्ट्रेट ही लग रहा है. तो -2, -4 पे जाके मिल जाएंगे, तो हो गया काम खत्म. -2, -4 -2, -1. आ रही है आवाज बच्चों? यस सर. सर वो डी है ना, सर वो डी -2, -4 नहीं है, वो 5,-4 है. हाँ क्या सर, जो डी है ना वो 5,-4 है. ये डी है? यस सर, ये डी है. ये सी है. आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास.
बेटा उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, देखो सभी बच्चों को आवाज जा रही है, तुम्हारे एंड पे कोई प्रॉब्लम है। अब कैसे आवाज नहीं जा रही है, तो मैंने जो बोला वो भी सुनाई नहीं दिया होगा तुम्हें। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया था, ए बी सी डी में सी और डी की पोजीशन मैंने गलत ले ली थी, उल्टा पुल्टा कर दिया था। तो ये देखो सी होगा -2, -4 और डी है 5, -4। सर मैं एंड करके दोबारा स्टार्ट करूं कि मेरे को आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है? हाँ करो करो जो करना है करो। आ रही है आवाज, मैंने जो बोला सुनाई दिया तुम्हें। आई होप ये क्लियर है। वैसे रिकॉर्ड होती है ना, वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, तो रिकॉर्डेड वीडियो आप लोग देख लेना तो समझ में आ जाएगा, जहां कहीं भी स्किप हुआ है तो। ठीक है, वही वाला पोर्शन देखना खाली, जो पार्ट स्किप हुआ है, जो पार्ट स्किप हुआ है वही पार्ट देख लेना, क्योंकि देखो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते है ना, ये इसका डिसएडवांटेज है ऑनलाइन का, कि भाई कभी नेटवर्क नहीं होता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी। सर आ गई। वेरी गुड, ठीक है। सेकंड सेकंड एग्जांपल देखो, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 4 and 3 units रेस्पेक्टिवली, वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड लॉन्गर साइड लाइज ऑन द, ये कुछ कुछ बहुत सारी बातें लिख दी है इसने, तो इसको आपको इंटरप्रेट करना है, समझना है। देखो बेटा फिर ये क्वेश्चन भी उतना टफ नहीं लगता है मुझे, मुझे बस लगता है आपको समझना चाहिए कि करना क्या है इसमें। ये सर ये तो आराम से निकल गया। कह रहा है लेंथ और ब्रेड्थ जो है ना 5 और 3 है, ठीक है, और एक वर्टेक्स इसका तो ओरिजिन पे दे दिया, और कह रहा है वन वर्टेक्स एट द ओरिजिन एंड द लॉन्गर साइड लाइज अलोंग लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, मतलब जो 5 यूनिट वाला है ना, 5 and 3 units लेंथ और ब्रेड्थ दे रखे हैं इसके, देख सकते हो आप यहाँ पर। फाइव होगा हाँ तो ये 1, 2, 3, सॉरी 3, फोर माइनस और 5, तो ये आपका कह सकते हो ये 5.0 ये रहा आपका, और 3 यूनिट इस पे ले लो, 1, 2, 3 ये रहा 0.। 5.3 सर थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है वो। एक्सक्यूज मी सर, सर इसमें कह रहा है कि एक वर्टेक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमें नेगेटिव साइड पे लेना होगा और हाँ नीचे लेना होगा। हाँ, सही बात है सही बात है सही बात है। ये इसमें ये देखा नहीं मैंने, पूरा नहीं पढ़ा मैंने, गलत कर दिया मैंने, पूरा पढ़ना चाहिए था मुझे। इसमें कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा, इसमें हमें लेफ्ट साइड में लेना पड़ेगा। तो देखो बेटा क्या होगा, इनफैक्ट इसको भी हटा देते हैं, ओरिजिन को इधर लिख देते हैं, ये आपका ओरिजिन है, ये 1 यूनिट, ये रहा आपका 2 यूनिट, ये है 3 और ये है 4, ये है 5, -4, -3, -2, -1 होगा। और क्या कह रहा है इसमें, वन वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड द लॉन्गर साइड लाइज ऑन द एक्स एक्सिस एंड वन ऑफ द वर्टाइसेस लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर है तो ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इधर की तरफ आएगा -1, -2 और -3, तो ये आपका बन गया है ना, ये बन गया आपका रेक्टेंगल, लो देखो है ना, ओ ए बी सी। ठीक है, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एक वर्टेक्स है और रेक्टेंगल 5/3 का है, तो दूसरा वर्टेक्स उधर तो ले नहीं जा सकते हैं, सी को हम उधर थोड़ी बना सकते हैं कहीं पर, सी को हम कहीं यहाँ ले सकते हैं क्या, इस पे वाई एक्सिस में पॉजिटिव में नहीं ले सकते हैं ना, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है बनाना, समझ रहे हो। तो इस तरीके से बनेगा, तो ये जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे बेटा ये क्या होगा, -5.0, एक तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन दे रखा है तो 0.0 ही होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0.-3, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा -5.-3, हो गया, यही है चारों कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास। सर लेकिन हम उसको उधर वाले 5 पे भी तो लेके बना सकते थे ना। हाँ थर्ड क्वाड्रेंट है ना, देखो ना थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक वर्टेक्स है तो उधर कैसे ले जा सकते हैं फिर। मतलब सर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एक वर्टेक्स रहती है तो हमें सारा रेक्टेंगल या फिगर थर्ड ही क्वाड्रेंट में बनाना होता है। इस हम नहीं बना पाएंगे, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बना ही नहीं पाओगे तुम, देखो मैं करके दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने की। ठीक है देखो, ये देखो मान लो कि मैंने यही चीज की, यहाँ पर ले लिया मैंने ये एक एक वर्टेक्स को मैंने ले लिया ये यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये हमारा -5 है, ठीक है, ये हमारा -4 है, ये -3, -2, -1 इस तरीके से। अब मैं इधर की तरफ अगर लेता हूँ मान लो बाकी वर्टेक्स, ठीक है, मतलब चौथा वर्टेक्स इधर ले लेता हूँ, एक तो ओरिजिन पे है, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया, एक वर्टेक्स ये है, तो दोनों को तो ज्वाइन करेंगे ही ना, इस तरीके से ज्वाइन होगा। अब मान लो कि मैं कहीं इन दोनों को, अब 5 यूनिट रखना है हमें, इस बात का भी ध्यान रखना है कि लेंथ और ब्रेड जो है ना वो 5 यूनिट है, तो मैं इधर की तरफ थोड़ा ना ले सकता हूँ, अब तो अब यहाँ पर लिया मान लो मैंने, तो फिर तब ये रेक्टेंगल बनेगा ही नहीं, ये तो कुछ ऐसा बन जाएगा, इस तरीके का बन जाएगा, तो ऑब्वियसली हमें इधर ही रखना पड़ेगा है ना, एक्सिस में ऐसा ही कुछ जीरो रखना रखा पड़ेगा। है ना, तो वो तो एक वाई हाँ एक्सिस की लाइन करेगा,
और फिर 5 0 और 5 उधर है, सॉरी 5 and 0, 5, 0 -5, 0 ओके सर, सर हाँ बोलो। एक तो देखो, एक तो हुआ क्या कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कहीं पर है, एक ओरिजिन है और एक थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब तुम जरा इमेजिन करो एक सिचुएशन को कि ये दो पॉइंट तो फिक्स हैं इसके, ठीक है, ये दो पॉइंट इसके फिक्स हैं, ये ओ और यहाँ पर मान लेते हैं एक सेकंड के लिए ए है, तो ओ और ए तो फिक्स है। अब तुम रेक्टेंगल तुम्हें बनाना है, तो रेक्टेंगल के लिए तो क्या होता है बेसिकली कि वो सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं ना, तो मान लो कि मैं इधर तो ले नहीं सकता, मतलब ओरिजिन के राइट साइड में तो मैं कहीं पर पॉइंट ले ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। इधर कहीं पॉइंट लूंगा मैं तो रेक्टेंगल बन ही नहीं पाएगा, कर लो कहीं पर भी ले लो तुम। यहाँ तुम अगर लेते हो तो तुम्हें क्या लगता है इन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे रेक्टेंगल बनेगा? कभी नहीं हुआ ना, ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था ना सर, पैरेललोग्राम बन जाएगा। हाँ नहीं बन पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो यही एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यही जो बना रखा है ना ऊपर, ये यही पॉसिबिलिटी है। अगर मैं ऊपर ले लेता इस बी पॉइंट को तो थर्ड क्वाड्रेंट है। अब कहीं पर ए को ए लिया, यहाँ पर सी को मैं इधर ले लूं कहीं पर मान लो, तो वो फिर 5/3 का रेक्टेंगल नहीं रह जाएगा, है ना, यही एक पॉसिबिलिटी। सर इस चैप्टर की डीपीपी अपलोड हो जाएगी आज? किस चीज की? इसकी डीपीपी? इसकी डीपीपी की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर की डीपीपी की जरूरत नहीं है आज भी ऑर्डिनेटर। 25 क्वेश्चन तो हमने ऑब्जेक्टिव के कर लिए, 25 क्वेश्चन तो क्लास में ही कर लिए हैं। सही लेसन तो बहुत आसान है, इसमें डीपीपी आज ही खत्म हो गया। हाँ अगला वाला भी आसान ही है, अगला वाला भी ऐसे ही है। फिर से वही चीज यहाँ पर आपको दिया। हाँ मैं करके दिखा देता हूँ, देखो एक मिनट, आंसर 3.4 है, ठीक है देखो ये रहा 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, 4.3 है आंसर, 4.0 है। एक मिनट एक मिनट, रुक जा बेटा, रुक जा रुक जा, 1.0 ये रहा, 3 तक है ना, 1, 2 और 3, ठीक है जी। P है ये आपका पॉइंट, और ये 4.0 क्या है, Q है, और 1.3, 1.3 कहाँ होगा, यहाँ पर 1.3 होगा, 1.3 जो कि क्या है बच्चों, S। तो ये तीन पॉइंट तो हमें दिख रहा है साफ साफ, देख सकते हो आप, ये तीनों पॉइंट देख पा रहे हो, P, Q, S। तो आप अंदाजा लगाओ कि जो स्क्वायर बनाने के लिए हमें पॉइंट चाहिए वो क्या कहाँ होगा, यही तो होगा है ना, पी क्यू एस है, तो आर जो होगा वो यही तो होगा जहां पे मैंने देखो बनाया हुआ है, कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तभी तो स्क्वायर बनेगा ना बच्चों, पी क्यू एस दिया हुआ है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी को। और आर का कोऑर्डिनेट अब साफ साफ दिख रहा है कि क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका 4 और वाई कोऑर्डिनेट होगा 3, 4.3, 4.3। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको। सर ये तो रेक्टेंगल बन गया शायद, रेक्टेंगल कैसे बना, 3 by 3 तो है, यहाँ से यहाँ तक का PQ का डिस्टेंस भी तो 3 है और SP भी 3 है, ध्यान से देखो तो सही, ये तुमने इसको काउंट कर लिया होगा, ये वाला नहीं है ना, इधर वाला पार्ट है PQ, PQ 3 है बेटा, यस सर, ठीक है, रेक्टेंगल नहीं है स्क्वायर है ये, ऑब्वियसली रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट द पॉइंट होज अब्सिसा इज 0 ए एंड एल, एब्सिसा 0 का मतलब होता है ये ए और एल, एल फोर्थ का फर्स्ट है बेटा, इसका पहला पार्ट है, इसका हो जाएगा ए एल एन ए, सेकंड पार्ट ऑर्डिनेट 0 सर, जी आई एन जी, जी आई, आई एन जी, जी आई एन जी सर, बस दो ही है आई एन जी, थर्ड पार्ट एच एन डी, डी एन ए, डी एन ए, डी एन डी एंड एच, डी एंड एच, यस सर, समझ में आ गया सबको, यस सर,
सर फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है प्लॉट द पॉइंट बताना क्या एब्सिस का, एब्सिस का नहीं बोलते एब्सिसा बोलते हैं, देखो ना डी तो है ना ये रहा ना डी माइनस फाइव माइनस फाइव। फिफ्थ क्वेश्चन प्लॉट द पॉइंट्स ए वन कॉमा माइनस वन बी फोर कॉमा फाइव। अच्छा जी ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, चलो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। सर एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में और एक फर्स्ट में। ओके ये रहा वन, ये रहा टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन कॉमा माइनस वन है ना, माइनस वन माइनस टू, वन कॉमा माइनस वन यहां होगा कहीं पर ए, और बी है फोर कॉमा फाइव, तो बी तो यहाँ बी हो जाएगा, बी हो जाएगा फोर कॉमा फाइव। अब क्या कह रहा है ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस पॉइंट्स एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। अच्छा बहुत सारे, बहुत सारे होंगे इसमें तो, सही बात है। जीरो और वन मतलब बहुत सारे सर, इनफाइनाइट हो जाएंगे ना क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। बहुत सारे पॉइंट हो जाएंगे यहाँ पर, सही बात है। ये रहा, ये है लाइन सेगमेंट, तो इसके ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे वो हमें लिखना है, तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक ए एंड बी। तो ये कैसे पता चलेगा पता है, ये ना तुम जब ग्राफ पेपर पे करोगे ना तब तुम्हें थोड़ा बहुत अंदाजा लगे, क्योंकि वहां पे ग्राफ पेपर पे तुम्हारे पास एक्यूरेसी ज्यादा होती है ना। हाँ तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी ना, तो वहां पर तुम देख पाओगे विजुअलाइज कर पाओगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। यहाँ पर तो ड्रॉ करना थोड़ा टफ हो जाएगा क्योंकि इसमें तो हम कर नहीं सकते हैं इस तरीके से। एक्सप्रेशन भी ऐसा ही है, एक्सटेंड किया हुआ है लाइन सेगमेंट को। हाँ तो ये पता नहीं चलेगा कि इसके ऊपर कहाँ कौन कौन से पॉइंट आएंगे, तो इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होंगे ऑब्वियसली, और हम इसमें निकाल नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें ग्राफ पेपर पे करना पड़ेगा तभी जाके आइडिया लगेगा। कह रहा है उसके बाद कह रहा है एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन व्हिच लाई आउटसाइड द लाइन सेगमेंट ए बी। तो फिर से वही बात की, अब कह रहा है इसको एक्सटेंड कर दो, तो लो एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, सॉरी ये एक्सटेंड कर दिया और इधर भी एक्सटेंड कर दिया ऊपर की तरफ भी। तो अब चेक करके बताओ कि क्या होगा, कौन से पॉइंट होंगे, तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तभी ये ठीक ठीक दिखेगा, सही सही दिखेगा। सर पर आउटसाइड का लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है? ये मतलब रहा ये वाला पार्ट आउटर सेगमेंट कहलाता है, बाहर ऊपर बी से ऊपर वो भी इनफाइनाइट ही हुआ ना, वो तो सर हाँ। इनफाइनाइट हुआ वो कहां से पता चला? अरे इनफाइनाइट हुआ कहीं तक भी लाइन है ना, ये तो सर लाइन है, लाइन सेगमेंट तो है नहीं, तो कहीं भी जा सकता है ये तो। हाँ हाँ कहीं भी जा सकता है, तो इसमें एक दो ये कुछ सारे पॉइंट थोड़ी ना लिख सकते हो तुम, तुम्हें कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। सारे पॉइंट्स कैसे लिखेंगे? एक्सटेंड दिस लाइन सेगमेंट एंड राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट बोला है, वैसे इसमें अ पॉइंट बोला है, एक पॉइंट बोला है, ठीक है ठीक है। इसमें कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, इसमें एक एक ही पॉइंट बोला है। पहले क्वेश्चन में भी देखो ध्यान से पढ़ो तो तुम्हें दिखेगा कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाइन सेगमेंट बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पर भी है अ पॉइंट, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है ना वो लिखना है तुम्हें। बहुत सारे पॉइंट तो होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स तो होंगे, लेकिन किसी एक का लिखना है, तो उसके लिए तुम्हें ग्राफ पेपर पे इसको प्लॉट करना पड़ेगा। वैसे हो सकता है क्या बिना ग्राफ पेपर के? हो सकता है ये देखिए। यस सर हो जाएगा, एक ही तो करना है सर, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा सर, आउटसाइड में तो आ जाएगा टू और माइनस टू समथिंग समथिंग वाला, नहीं एग्जैक्ट बताओ, समथिंग तो नहीं चलेगा सर। फर्स्ट पार्ट का 3.3 और सेकंड पार्ट का 0.-3 4.-5 सॉरी 4.-5 नहीं 4.5 है। अब ये जो पॉइंट है इसके बीच में कहीं पर कोई पॉइंट आएगा तो ये हाँ हाँ देखो क्या हो क्या कर सकते हैं इसमें, हम क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा टफ है सर। टू एंड टू भी तो ले सकते हैं सर, इधर भी टू ले लीजिए, उधर भी वाई एक्सिस पे भी टू, दोनों पे लाए तो इसी लाइन पे आएगा, जरूरी थोड़ी है इसी लाइन पे आएगा क्या, वो जरूरी थोड़ी है, वो तुक्का तुम्हारा सही हो सकता है, ठीक है तुक्का तुम्हारा सही हो सकता है, बट
तरीका ये सही नहीं है, है ना? तो सर फिर तो ग्राफ भी करना पड़ेगा। हाँ, ग्राफ से ही करना पड़ेगा, ठीक है? और कोई चारा है नहीं इसका, तो सर ये हो इसका मतलब कोई जाएगा। फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं होता अगर जैसे कभी ग्राफ ना हो और ये क्वेश्चन आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं देंगे तुम्हारे ये सब चीजें, सारी क्लास सारी चीजें। तो ये तो अब इंट्रोडक्शन कर रहे हैं ना हम लोग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग ABCD सीख रहे हैं, ठीक है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ABCD अगर हम सीख रहे हैं तो इसमें थोड़ी इतनी सारी चीजें दे देगा वो, है ना? ओके सर। हाँ, अभी तुम लोग बहुत बेसिक कर रहे हैं, तो ये तुम ऐसे कह सकते हो कि 4 3 = 1, 1,2 होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू क्या कहा था, 2 बोला था ना तुमने, 2,1, 2,1 हो सकता है, 2,1 होगा। वैसे इस पे 2,1 होगा, 2,1 एक पॉइंट आएगा इस पे। सर हम इनफाइनाइट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स कैसे कहेंगे जब हम एक एक छोटी छोटी मेजरमेंट काउंट करेंगे? हाँ देखो ना, ये रहा एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, ये है एक पॉइंट, इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। Yes. सर जैसे स्केल को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देते हैं ना। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट आप लोग तभी कर सकते हो जब आपके पास ग्राफ पेपर पे आप प्लॉट करोगे, तभी कर सकते हो अभी। वैसे और भी तरीके होते हैं बट वो तरीका हमारी क्लास में नहीं है, 9th क्लास में नहीं है वो। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका, बस डन। सर क्लास ओवर हो गया सर, मैं हाँ, कंफ्यूजन। सर क्लास ओवर, क्लास ओवर। क्वेश्चंस थोड़े मोड़े, हाँ क्या कह रहे हो? सर कुछ क्वेश्चंस हैं उनमें बस थोड़े मोड़े डाउट है, मैं पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर एक मॉड्यूल में से क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। सर मॉड्यूल में क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन बोलो। मैं भेज रहा हूँ चैट पे। ओके, क्लास ओवर हो चुकी है बच्चों, जिसको डाउट पूछना है वो बच्चे वेट करेंगे, वो डाउट पूछो और